बहुत सारे लोगों ने सिर्फ राममूर्ति दंड लगाकर बॉडी बनाई है, वो कभी जिम नहीं गए, सिर्फ राममूर्ति दंड लगाकर अपनी बॉडी की मसल्स को ग्रो किया है। जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सुनने के बाद आप भी राममूर्ति दंड लगाना शुरू कर दोगे। आज का टॉपिक भी यही है, राममूर्ति दंड लगाने से क्या होगा। अगर आप हर रोज राममूर्ति दंड लगाते हो तो आपके वे कौन कौन से मसल्स है जो उभर कर बाहर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको राममूर्ति दंड के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जो लोग बिना कुंभक के राममूर्ति दंड लगाते हैं, मतलब मान लो आप राममूर्ति दंड लगाते हो बिना कुंभक के लगाते हो, तो भाई रहने दो, बस अपना सिंपल पुशअप ही लगा लिया करो, क्यों बॉडी के साथ खेल रहे हो। अगर एक ही लाइन में बोलूं तो बिना कुंभक के राममूर्ति दंड लगाने से सिर्फ 50% ही फायदा मिलेगा। होता क्या है कुंभक से, पहले ये समझो, जब आप सांस भरकर राममूर्ति दंड लगाते हो तो आपकी बॉडी अधिक पावर प्रोवाइड करती है। जब आप अपनी बॉडी में सांस भरते हो तो आपकी बॉडी अधिक ताकत लगाती है, ये होता है कुंभक, समझे। देखो, जब आप राममूर्ति दंड लगाते हो तो सबसे पहले आपकी शोल्डर की मसल्स टूटेगी। मैं बोलता हूँ आपको, आप सिर्फ 10 राममूर्ति दंड लगा लो आज, अनुशासन के साथ लगा लो बिल्कुल, और अगले दिन देखना आपके कंधे अकड़ जाएंगे, वो दिखने लगेंगे, कंधे बिल्कुल अकड़ जाएंगे, क्योंकि कंधों की सबसे ज़्यादा ताकत लगती है इसमें। कभी भी ये चीज़ देख लेना, जो बंदा बहुत समय से राममूर्ति दंड लगाता आ रहा है, आप उसकी बॉडी देख लेना, आपको उसके कंधे चौड़े मिलेंगे। जी हाँ, राममूर्ति दंड लगाने से सबसे पहली जो मसल्स है शोल्डर की मसल्स ग्रो होती है, और जिनकी नहीं हुई उनको भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं हुई उनकी। अगली मसल्स है ट्राइसेप, अपना बाजू का साइज माप लो और जैसे मैं आपको बोलूँगा वैसे राममूर्ति दंड लगाना, और 2 महीने बाद अपनी बाजू का साइज देख लेना कितना गेन होगा। मैं खुद से नहीं फेंकूंगा कुछ, आप खुद देख लेना। उसके बाद बात आती है चेस्ट, फिर आपको चेस्ट छाती की शेप आनी शुरू होगी। और छाती के लिए अगर आपको बोलूं तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा पुशअप वर्कआउट का। 2-3 महीने बाद जब आप राममूर्ति दंड लगाओगे तो आपका पूरा बैक पार्ट ग्रो हो जाएगा, वहां से फालतू का फैट जो है वो घट जाएगा, बैक का जो पार्ट है, बैक की मसल्स बननी शुरू हो जाएगी। मतलब 3 महीने तक बढ़िया रिजल्ट, 3 महीने तक ऑलमोस्ट लगा लीजिए, 3-4 महीने तक बहुत अच्छी बॉडी तैयार कर लोगे सिर्फ राममूर्ति दंड लगाकर। लेकिन आपको इसके नियम पता होने चाहिए, जो बिल्कुल पतले हैं उनको टाइम लग सकता है। हर रोज राममूर्ति दंड लगाने से आपकी बॉडी में पावर भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लगाने का तरीका क्या है, पहले अच्छी तरह से सांस भर लो, सांस भरकर आपको पेट नहीं फुलाना है, पेट में सांस नहीं भरना है, आपको छाती में सांस भरने हैं। जी हाँ, छाती में सांस भरने हैं, चौड़ी कर लेनी है छाती, ठीक है। सांस भरने के बाद एक दंड लगाओ, पूरा आगे जाओ पूरा, फिर वापस आओ, अब सांस छोड़ दो, बिल्कुल भी सांस नहीं छोड़नी इस दंड के बीच में, आगे जाओ पीछे आकर ही सांस छोड़नी है जब आप पूरा लगा दो। हर रोज राममूर्ति दंड नहीं लगाना है, देखो राममूर्ति दंड से ऊपर की बॉडी की सभी मसल्स टूटती है, तो इनको तो कम से कम 1 दिन का रेस्ट जरूर दो। जैसे आपने राममूर्ति दंड लगाया आज, तो कल नहीं लगाना, कल आप किसी और पार्ट की एक्सरसाइज करो, ऐसे करके रिजल्ट मिलना शुरू होगा। बेसिक से लेकर जाया करो यार, क्यों एकदम से वो करते हो, ठीक है, थोड़ा समझा करो एक्सरसाइजेस के बारे में। ये है राममूर्ति दंड। देखो यार, आप सब भाई जैसे हो, आपको जो भी बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार करना तो शुरू करो, स्टार्ट तो करो। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं खड़ा हूं ना, लेकिन एक बार बेसिक से स्टार्ट तो करो। अगर स्टार्ट कर दिया है तो उसको सुधारो, अपनी गलतियां सुधारो और अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते चले जाओ, तब जाके रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और बेसिक से एडवांस तक हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा, वो चाहे एक्सरसाइज की हो, वो चाहे न्यूट्रिशन हो, डाइट हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन बेसिक से एडवांस तक आपको इस चैनल पर देता रहूंगा मैं, इसलिए जुड़े रहो, इसलिए मैं बोलता हूँ बेल आइकन दबा कर रखा करो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं कोशिश करूँगा आप मेरी जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, आशा करूँगा मैं जो भी एक्सरसाइज बताता हूँ आप सब उसको फॉलो करते हो। तो बस ये थी वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।